हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जितना अमाउंट वाटर वेपर की प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की फॉर्म में। सो हियर इट इज, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर कितना वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट है उसको हम डिवाइड करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। कितनी ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर जो है वो एयर ने होल्ड की है उस टेम्परेचर पर इनटू 100। तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम एक्सप्रेस करते हैं, निकालते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। और जो इंस्ट्रूमेंट हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर, उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। नाउ रेनफॉल, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाती है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट एयर इज सैचुरेटेड। तो एयर जो है वो कैसी होगी? सैचुरेटेड होगी, संतृप्त होगी विद वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ, एंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। और उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। वेन एयर गेट्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, और जब एयर सैचुरेटेड हो जाती है वाटर वेपर के साथ एंड टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर गिरने लगता है, इट बिगिंस टू रेन, तब हमारी रेन स्टार्ट होती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेन गेज, उसको हम रेन गेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विंड्स। विंड्स क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पर, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। किसकी वजह से? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ही बीच में डिफरेंस होता है तो उस लेवल पर जब एयर जो है वो मूव करती है अर्थ के सर्फेस पर, दैट इज कॉल्ड विंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।